टी एम यू एक सेकेंड का कौन सा भाग होता है? तो टी एम यू एक सेकेंड में 0.036 होता है। समय एवं शक्ति बचाव का उपकरण नहीं है, तो सिलबट्टा क्या है? समय और शक्ति का बचाव का उपकरण नहीं है। कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर, मोटर आदि किसके भाग है? तो रेफ्रिजरेटर के भाग है। निम्न में से किस यंत्र द्वारा सुगमतापूर्वक फर्श, दरी, कालीन आदि साफ की जाती है? तो वैक्यूम क्लीनर द्वारा साफ की जाती है। डबल रोटी के टुकड़ों को सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी के टुकड़ों को सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है तो टोस्टर का प्रयोग किया जाता है। रसोई घर के बर्तन को साफ करने वाली मशीन को कहते हैं डिश वॉशर। रसोई घर के बर्तन को साफ करने वाली मशीन को डिश वॉशर कहा जाता है। घर के अंदर की जलवायु नियंत्रण प्रयोग में किया जाता है तो किसके द्वारा? हीटर द्वारा, कूलर द्वारा, एयर कंडीशनर द्वारा, उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर परंपरागत स्रोत सूरज की किरणों का प्रयोग करके खाना बनाने वाले यंत्र को कहते हैं सोलर कुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के द्वारा दबाव में भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा भाग रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो नियामक ताप को नियंत्रित करता है। सूखे मेवे पीसने हेतु प्रयुक्त होती है तो ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर में निकास नली के ऊपर वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? बजट चार्ट कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। समय व्यवस्थापन का यंत्र है तो पिक लोड, जिसे कहते पिक लोड को कहा जाता है। अत्यधिक भार का समय क्या कहलाता है? पिक लोड। कार्य सरलीकरण का उद्देश्य है कार्य करने की सबसे विधि की खोज करना। तो उपयुक्त सभी, नई, शीघ्र और मितव्ययता भी होनी चाहिए। कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शारीरिक रूप से कमजोर के लिए, विकलांगता के लिए, इन सब के लिए कार्य सरलीकरण का प्रयोग किया गया है। कार्य सरलीकरण प्रणाली अपनाई गई है कि समय, श्रम, धन सबकी बचत हो और काम आसानी से हो जाए। अत्यधिक कार्यभार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? शिखर समय, आकस्मिक कार्य, विश्राम काल में से कोई नहीं तो शिखर सम्मेलन कहा जाता है, शिखर समय कहा जाता है। फ्रीज के किस भाग का उपयोग ताज़ी सब्जियों को रख करने के लिए करना चाहिए? तो क्रिस्पेटर का करना चाहिए। फ्रीज के किस भाग का उपयोग ताज़ी सब्जियों को रखने के लिए करना चाहिए? तो क्रिस्पेटर का। ऑपरेशनल चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? ऑपरेशनल चार्ट कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो कार्य सरलीकरण द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन की ओर आते हैं। पालक धोने की उपयुक्त विधि है कैसी विधि? पालक पानी व्यर्थ पदार्थ पानी पालक को क्या करना चाहिए? पानी में धोना चाहिए, जो व्यर्थ पदार्थ उसे फेंक देना चाहिए, पानी से वो बह जाएगा। तो पालक धोने की उपयुक्त विधि क्या है? पानी में धोना। मानव ऊर्जा पालक, देखिए क्या है, पालक धोने की उपयुक्त विधि है पालक को पानी में धोना, व्यर्थ पदार्थ को फेंकना, फिर पानी में धोना, ठीक। मानव ऊर्जा मापने की इकाई है तो किलो कैलोरी क्या है? मानव ऊर्जा मापने की इकाई है। मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं गैंट चार्ट कहते हैं। मूल्यांकन के लिए जिस चार्ट की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं गैंट चार्ट। वह शारीरिक अवस्था जिसमें वर्तमान कार्य करने की हमारे
योग्यता कम हो जाती है तो थकान है। शक्ति व्यवस्थापन का अर्थ है तो क्या है? कार्यों को सुविधाजनक तरीके से करना ताकि थकान का अनुभव न हो। थकान की वह स्थिति जो कार्य की प्रकृति परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और उत्पादन में कमी आती है कहलाती मनोवैज्ञानिक थकान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।